नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2024 के रिगार्डिंग, क्योंकि आरआरबी ने 10 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी करा है जिसमें बताया है कि आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी कि जो भी वैकेंसी जो ग्रुप डी वगैरह की, तब कब आने वाले हैं, इनके नोटिफिकेशन कब आएंगे, इनके प्रपोजल कब एक्सेप्ट होंगे और क्या अपडेट है, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। ये वीडियो रहेगा नर्सिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग। लगभग 1000 प्लस इसमें वैकेंसी आएगी। जीएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ओल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी आपको आगे देने वाला हूं। तो जो फुल डिटेल नोटिफिकेशन है, ये ओल्ड नोटिफिकेशन रहेगा। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे मिड जून तक स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जून में क्या करेंगे, प्रपोजल ड्राफ्ट होगा और उसके बाद आपका जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है वो जारी कर आपके फॉर्म स्टार्ट करवा लिए जाएंगे 15 से 20 जून के आसपास। तो जितनी उम्मीद थी उससे जल्दी हो रहा है, क्योंकि जैसे उम्मीद तो लगा रखी थी कि ये फॉर्म जुलाई के अगस्त तक आएंगे, लेकिन उससे पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, डेट वगैरह का तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। हालांकि मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा चुका था, अगर आपने देखा होगा तो फिर वीडियो भी ना भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं। तो बाद में बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट वगैरह की सबकी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप देखो, भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया जो सभी पीसीपीओ को भेजा गया था न्यू दिल्ली की तरफ से, और 10/4 को ये नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली की तरफ से भेजा गया था। फिलिंग अप ग्रुप सी पोस्ट जोनल रेलवे थ्रू आरआरबी, यानी कि जो भी वैकेंसीज हैं यहाँ पर, एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, पैरामेडिकल कैटेगरीज लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, तो ये सभी के लिए रिगार्डिंग इन्होंने जोन बनाया है कि कौन सा इसका नोडल जोन होने वाला है, नोडल आरआरबी जो रहेगी किसकी रहेगी। तो अपना जो पैरामेडिकल कैटेगरीज है, इसकी जो नोडल आरआरबी रहेगी इस बार वो पटना रहने वाली है और इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसके आगे नीचे देखो एनटीपीसी दो तरह की होती है, ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन के जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इनकी वैकेंसी का जो असेसमेंट है, यानी कि नोडल आरआरबी जो है वो इनका असेसमेंट करेगी कि कितनी कितनी वैकेंसी कहाँ पर खाली है। तो जो अपनी रहने वाली है, इसकी कब तक की वैकेंसी का असेसमेंट करने वाली है नोडल आरआरबी पटना, तो 30 जून 2025 तक जो भी वैकेंसीज कहाँ पर खाली है, कहाँ पर खाली नहीं है, उसका असेसमेंट ये कर लेगी। इसके बाद असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS, ठीक है, इसके अगर रिगार्डिंग बात करें तो अप्रैल मई में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोसेस। और आइडेंटिटिंग ऑफ वैकेंसी इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल का जो प्रोसेस रहेगी वो मई जून में हो जाएगा। और जो प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CEN, यानी कि सेंट्रलाइजेशन जो होगा इसका, वो जून 2024 में जाएगा, यानी कि जून 2023-24 के फर्स्ट वीक में ये काम कंप्लीट हो जाएगा और मिड 15 से 20 जून के आसपास वैकेंसी रिलीज कर दी जाएगी। तो आप देख सकते हो इसी फर्स्ट स्लॉट में ये है क्या अपना पैरामेडिकल कैटेगरीज भी इसी में आ रहा है, जून 2024 वाले में ही आ रहा है। और जो ग्रुप डी है और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी, इनको सितंबर तक पहुंचा दिया है। तो इन पहले सितंबर में इसका लग रहा था कि अगस्त के आसपास आएगी, लेकिन जून में इन्होंने कंप्लीट प्रोसेस कर लेंगे। तो जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है वो जून में जारी कर दिया जाएगा। अब इसके कंप्लीट अपडेट के बारे में अपन देखेंगे। तो ध्यान रखना, जो इस बार पैरामेडिकल कैटेगरीज है उसको जो करवा रहा है उसकी नोडल आरआरबी है पटना। अब हम बात करते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है, ओल्ड नोटिफिकेशन, इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और कौन कौन कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मैं यहां से आपको प्रोवाइड करवाना शुरू करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जब एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, टोटल जो एप्लीकेशन फॉर्म चले थे वो आपके चले थे 1 महीने तक फॉर्म यहां पर चले थे, 4 मार्च से स्टार्ट हुए थे और 2 अप्रैल तक चले थे, यानी कि 1 महीना फॉर्म चले थे। स्टाफ नर्स के नाम से आई थी, लेकिन इस बार नर्सिंग ऑफिसर के नाम से आई, क्योंकि 2018 में वैकेंसी आई थी, 2018 वाली वैकेंसी थी। और इसमें अगर आप यहां पर देखोगे तो अब स्टाफ नर्स को नर्सिंग ऑफिसर बोला जाने लग गया। तो लेवल 7 की ये वैकेंसी रहेगी और 44,900 रुपये बेसिक पे है। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड भी मांगा जाता है, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 1109 वैकेंसी इस पर आई थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी रहेगी वो कितनी रहने वाली है, तो लगभग 1000 के अराउंड ही वैकेंसी यहां पर रहेगी, क्योंकि
वैकेंसी इंक्रीज हो भी सकती है क्योंकि चुनावी साल है और देखो क्या होता है, लेकिन वैकेंसी कम ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है। तो टोटल उस टाइम पे जो वैकेंसी आई थी 2019 में जब फॉर्म भराए थे 1937 पदों पर वैकेंसी आई थी, जिसमें डाइटिशियन था, डेंटल हाइजीनिस्ट था, डायलिसिस टेक्नोलॉजी टेक्नीसियन था, एक्सटेंशन एजुकेटर था, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड थर्ड था, इसके साथ साथ लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड थर्ड, ऑप्टोमेट्रिस्ट था और परफ्यूजनिस्ट था, साइकोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड, रेडियोग्राफर, स्पीच थेरेपिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन, लेडी हेल्थ विजिटर, लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, सारे इसमें दे रखे थे इन्होंने। तो सभी इस त्रिसार के पदों पर मिलाई 1937 पदों पर वैकेंसी आई थी, जिसमें 1109 पद तो किसके थे, नर्सिंग ऑफिसर के थे। लेकिन अब ये वैकेंसी लगभग 1000 से 1200 के अराउंड इस बार भी आएगी, क्योंकि चार से पाँच साल हो जाए, लगभग 4 साल बाद ये वैकेंसी निकल रही है। देखो आप अगर बात करें 19 में आई थी तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 तो 5वां साल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने साल की इसमें वैकेंसी अब आएगी। 5वां साल उतना टाइम तो हो गया पूरा, इतने साल बाद वैकेंसी आ रही है तो टाइम लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड की, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड नर्सिंग ऑफिसर के लिए मांगा गया। तो C1 का क्या होता है कि आप पूरी तरह से फिजिकल एंड फिट होना चाहिए, आपका जो डिस्टेंस विजन है वो कितना होना चाहिए, 6x12 या 6x18 होना चाहिए, विद विदाउट ग्लास, और नियर विजन जो रहेगा, नियर विजन 0.6 विद विदाउट ग्लास वहन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, कलर ब्राइटनेस का भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की आगे, एज लिमिट की, तो एज लिमिट लास्ट टाइम जब आई थी वैकेंसी तो मार्च में वैकेंसी आई थी, तो एज लिमिट 1 जुलाई से इन्होंने काउंट करी थी, तो इस बार भी वैकेंसी जून में आएगी तो लगभग 1 जुलाई से आपकी एज लिमिट काउंट होगी। तो एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर इन्होंने जो था 18 से 30 रखा था, 18 से 30 एज लिमिट यहाँ पर रखी गई थी, जिसमें ओबीसी के लिए 3 साल के, SST के लिए 5 साल की छूट यहाँ पर रही थी, बाकी UR फिजिकल हैंडीकैप्ड 10 साल की छूट उसको देखने को मिली थी। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो लास्ट में बात करेंगे BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, GNA वाले विदाउट एक्सपीरियंस इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, वो अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ये सीन था लास्ट टाइम कि आपकी जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी तब तक आप अप्लाई कर पाओगे, तब तक आपके पास कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। किसी भी बोर्ड से जो भी कोई रिजल्ट आना हो, अगर वह 2 अप्रैल 2019 तक नहीं आया था तो वो एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि लास्ट डेट 2 अप्रैल थी लास्ट टाइम। तो इस बात का भी स्पेशल ध्यान रखें कि आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे जब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लास्ट डेट से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। एग्जामिनेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए, ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटी, EWS, इन सभी के लिए 250 रुपये हैं, और 250 रुपये जब आप CBT में बैठ जाते हो तो 250 रुपये आपको कंप्लीट रिफंड कर दिए जाते हैं। अगर बात करें UR कैटेगरी और OBC कैटेगरी के अलावा, मतलब SC ST, EWS, PWD फीमेल के अलावा जिस कैटेगरी की बात करें, तो 500 रुपये यहाँ पर फॉरम फीस है, 500 रुपये में अगर आप CBT में अपियर हो जाते हो तो आपको 400 रुपये रिटर्न कर दिए जाते हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि सिलेबस के रिगार्डिंग कि क्या सिलेबस आने वाला है इस वैकेंसी में, तो सिलेबस भी अपन देख लेते हैं। तो सिलेबस जो रहेगा, सिलेबस में टोटल 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, जिसमें रहेंगे 70 क्वेश्चन प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है जो जिसके रिगार्डिंग आप तैयारी कर रहे हो उसके 70 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 30 अर्थमेटिक इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रहेंगे, और 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के रहने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के रहने वाले हैं, 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो अगर आप RRB की बात करें तो RRB में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज़ की, इसमें आगे जो भी मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन होता है, अलग अलग शिफ्टों में होगा तो एग्ज़ाम। अब इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपन देख लेते हैं, इसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होगा, सिलेक्शन आपका सिंपल एक एग्ज़ाम के आधार पर ही कंडक्ट हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा। अब हम बात करें इसमें सिलेबस की, सॉरी इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो BSc नर्सिंग वालों के लिए क्या क्या मांगा जाता है, या किसी को
बीएससी एरा स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी थी ये लेवल 7 की थी। एज लिमिट यहाँ पर 20 से 40 है, सॉरी वहाँ पर 20 से 30 बताया था, यहाँ 20 से 40 एज लिमिट है, ध्यान रखना। नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो एज लिमिट रहेगी 20 से 40 रहेगी, इसमें 3 साल 5 साल की अलग अलग छूट भी मिल जाएगी। यहाँ पर और कोई चीज़ें जो मेडिकल स्टैंडर्ड C1 था, C1 के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने सर्टिफिकेट एज अ नर्स, रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास्ट थर्ड ईयर कोर्स इन जनरल नर्स एंड मिडवाइफ फ्रॉम अ स्कूल ऑफ नर्सिंग और अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, अगर आपने कहीं से भी GNM BSc नर्सिंग GNM कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, कहीं भी इसमें एक्सपीरियंस की बात यहाँ पर नहीं करी है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो और में लिखा हुआ है BSc नर्सिंग, तो BSc नर्सिंग वाले भी एलिजिबल है। द इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज ऑल्सो लेड डाउन सर्टन स्पेशल कंसेशन फॉर द अबव कोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स एंड बी ग्रेड नर्स बाई द वे ऑफ रिड्यूस्ड कोर्स पीरियड ATC कैंडिडेट ऑब्टेन द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड अबव अंडर द कंसेशन विल आल्सो एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कि इसके लिए NM वाले भी एलिजिबल होते हैं। अगर उनके पास ग्रेड बी ग्रेड नर्स का अगर डिप्लोमा उनके पास है या सर्टिफिकेट उनके पास है INCS अगर उन्होंने कर रखा है तो NM वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का भी स्पेशली ध्यान रखें कि RRB की वैकेंसी में NM वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बता चुका हूँ ये लास्ट ईयर का जो चार्ट था कि कौन से जोन में, क्योंकि यहाँ पे जो RRB का जो फॉर्म होता है वो जोन वाइज भरे जाता है, ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही जोन में भर सको। जैसे कि RRB अजमेर राजस्थान के लिए एक ही जोन है अजमेर, उसमें 89 वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम, अहमदाबाद में 80 आई थी, इलाहाबाद में 176 थी, अच्छी खासी वैकेंसी थी इलाहाबाद में। अगर बात करें बेंगलुरु में 51 वैकेंसी थी, भोपाल में 48 वैकेंसी थी और भुवनेश्वर में 35 वैकेंसी रही थी लास्ट टाइम, बिलासपुर में 40 थी और चंडीगढ़ में 197 में अच्छी वैकेंसी थी, चेन्नई में 173, गोरखपुर छियाछठ, गुवाहाटी 117, RRB जम्मू श्रीनगर इसमें 70 वैकेंसी थी और कोलकाता में 236, बहुत अच्छी वैकेंसी रही थी लास्ट टाइम। टोटल स्टाफ नर्स की बात नहीं कर रहा, स्टाफ नर्स की अलग अलग भी हो सकती है, टोटल वैकेंसी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर लास्ट ईयर अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कितनी वैकेंसी थी स्टाफ नर्स की, तो वो देख लो आप, तो राजस्थान वाले हो तो अधिकतर, तो स्टाफ नर्स की लास्ट टाइम जो थी 31 वैकेंसी थी राजस्थान में, कुछ ज़्यादा खास वैकेंसी नहीं थी। तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर, बाय।